हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मीशो से कैसे हम लोग GST रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, जिससे जो भी प्रोडक्ट हम लोग मीशो के पोर्टल पर सेल करते हैं उसमें गवर्नमेंट के थ्रू कैसे हम लोग GST उसकी फाइल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना जो मीशो का पैनल है उसका होम पेज ओपन करते हैं। होम पेज ओपन करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा पेमेंट का। पेमेंट सेक्शन पे क्लिक करते हैं। पेमेंट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे जितने भी पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, कितने पेमेंट एड्स के थे, वो सारे विजिबल हो जाएंगे। आप ऊपर साइड देखेंगे तो एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है। उस डाउनलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अलग अलग टाइप्स के रिपोर्ट मीशो के एंड से दिखते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है GST रिपोर्ट, सेकंड होता है टैक्स इनवॉइस, थर्ड होता है कमीशन टैक्स इनवॉइस, फोर्थ होता है पेमेंट ऑफ टू डेट, फिफ्थ होता है आउटस्टैंडिंग पेमेंट। हम लोग को GST रिपोर्ट्स डाउनलोड करना रहता है गवर्नमेंट के साइड पे GST फाइल करने के लिए, हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे पास आपके पैनल पे हमारा विजिबल होगा डाउनलोड GST रिपोर्ट का, जिसमें हमें सन के साथ साथ मंथ की, किस सन का हमें GST रिपोर्ट डाउनलोड करना है और किस मंथ का करना है। अब लाइक 2024 चल रहा है, हम लोग 2024 पर क्लिक करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे किस सन का, मतलब किस मंथ का हम लोग को GST फाइल करना रहता है, तो हमें जुलाई का GST फाइल करना है, तो हम लोग जुलाई पर क्लिक करके डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम लोग डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाता है। जैसे इस जिप फाइल को क्लिक करते हैं, यहाँ दो फाइल निकल जाता है जो हमें मीशो के एंड से मिलता है, जिसमें मीशो हमारे GST फाइल करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है वो सारा इसमें विजिबल रहता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।